नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश कौर और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो, जो आपका अपना चैनल है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे, जो जनरल होने के कारण सब पर मैच नहीं करती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 6 मई से 12 मई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जो जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है या जिनकी आपस में बातें ही नहीं हो रही हैं, या तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, वैलिड है। तो चलिए देखते हैं, जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनकी स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर आप अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर रीडिंग पा सकते हैं। तो जो पर्सन नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चल रहा है या किसी भी तरह से बातें नहीं हो रही हैं, सेपरेशन चल रहा, तो ये उनके लिए है। तो वो उन अपने पर्सन, तो स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो पास्ट में बाधाएं आई हैं, जो चीज़ें उनको ठीक नहीं लग रही हैं, जो चीज़ें नेगेटिविटी दे रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करना कर देना चाहिए, उन चीज़ों को काट देना चाहिए। और वो चाहते हैं कि दिल से ना सोच कर दिमाग से सोचें, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, और तभी इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। उसके लिए उनको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि बच्चे की एनर्जी की तरह इनोसेंट, जैसे एक बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, उसी की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर करें और लाइफ में आगे बढ़ें, एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि लाइफ में उन्हें खुशियां मिल सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। वो एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर इसमें खुली आंखों से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई बचपना ना करें, नादानन ना करें, बिना सोचे समझे कुछ भी आगे ना बढ़े, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर काम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें परेशानियां, दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि खुली आंखों से आगे बढ़े और इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही उन्हें इस रिश्ते में सक्सेस मिल सकती है, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो उन्हें अपनी एनर्जी डालने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा फिलहाल के लिए वो महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो स्कॉर्पियो के लिए क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पर उन्हें मूव ऑन करना चाहिए जहां उन्हें पीस मिले, शांति मिले, सुकून मिले। ऐसे लोगों के बीच में उन्हें नहीं रहना चाहिए जो उनको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो परेशानियां दे रहे हैं, जहां उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, जहां उनके विचार उन लोगों के साथ नहीं मिलते। तो ऐसी जगह पर उन्हें जाना चाहिए, उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो जहाँ पर उन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पीस मिलती है। और पुराने बैगेजेस को उन्हें यहीं छोड़ने की ज़रूरत है, वो उनको साथ लेकर ना जाएं। और इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है, तो वो चाहते हैं कि खाली अट्रैक्शन को ना देखें, इसकी एडिक्शन को भी देखें। तो और समय रहते इसमें आमने सामने बैठकर ये डिसीजन लें, जो भी डिसीजन होगा वो भी वही उनके फेवर में होगा, यूनिवर्स उनको ब्लेस करेंगे। तो सोच विचार करके, आमने सामने बातें करके इसमें डिसीजन लें, खाली अट्रैक्शन को देखकर इसमें डिसीजन ना लें।
और लाइफ में आगे बढ़े, और उसके लिए चाहे उन्हें थोड़ा सा रूड बनना पड़े, कठोर बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, अपनों के खिलाफ जाना पड़े या किसी से रिश्ता तोड़ना पड़े, लेकिन ऑनेस्टी इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे थोड़ा सा इसमें रूड बनना पड़े, दूसरों के खिलाफ जाना पड़े, वाद विवाद करना पड़े, कुछ लोगों को छोड़ना भी क्यों ना पड़े, तो लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियरिटी हो, सच्चाई हो, ऑनेस्टी हो, ताकि इस रिश्ते में आगे जाकर कोई दिक्कत कोई बाधाएं ना आए। तो क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखते हैं कि 12 मई तक वो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे वो, इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेने वाले हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं या जिनकी आपस में कोई बातें ही नहीं हो रही हैं। और तो देखते हैं कि इस सिचुएशन में वो क्या एक्शन लेंगे। 5 of Pentacles, 9 of Swords एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में वाद विवाद हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, जो एक दूसरे को गलत ठहराया जा रहा है, जो आपस में विश्वास नहीं कर रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वो उनको अपने आप को बदलना चाहिए, तो दूसरों पर विश्वास करें, वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन विश्वास उनको करना पड़ेगा, उनको ये अपना रवैया बदलना पड़ेगा, तभी वो और उनको उन सोर्सेज सबसे पहले उन चीज़ों पर काम करना चाहिए जो इस रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, ख़ासतौर पर पैसों के लिए उन्हें काम करने की ज़रूरत है। और वो अगर दूसरे की मदद चाहते हैं तो दूसरे की मदद भी उन्हें मिलेगी, लेकिन उन्हें उन पर विश्वास करना पड़ेगा और मदद मांगनी पड़ेगी। और वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, दुविधा में ना रहे, रातों की नींद हराम ना करें, क्योंकि ठीक है उन्हें इस रिश्ते में परेशानी है, बाधाएं हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो सुलझाई ना जा सके, जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो इस नेगेटिविटी को छोड़ें और पॉजिटिव बने, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं, अपने आप को पॉजिटिव करें, नेगेटिव लोगों के पास ना रहें, एनवायरमेंट को साफ सुथरा करें, और इस बजाय के स्ट्रेस में रहें, बजाय के एंजाइटी में रहें, उसके बजाय वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढें, इसका हल ढूंढें, उनके इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन, इसका हल मिल सकता है, और वो लोगों की भावनाओं के साथ ना खेलें, लोगों को यूज ना करें, कोई भी कड़वा वचन ना बोलें, क्योंकि अगर वो कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं तो सामने वाले को परेशानी होती है, इसमें दिक्कत होती है, वो लोगों के साथ या उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चीज़ों को यूज़ करें, और प्यार से और मिठास के साथ जबान पर कंट्रोल करके वो लोगों के साथ पेश आएँ, सामने वाले के साथ पेश आएँ, ताकि रिश्ते में प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। तो वो और इसमें एक प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, एक अच्छी वाणी के साथ वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, उनसे अच्छे से पेश आएँ और एक बिगनिंग, एक शुरुआत उनको करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। इनवर्स गाइड मी प्लीज, सिचुएशन की गाइडेंस क्या रह सकती है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए 12 मई तक की गाइडेंस क्या रहने वाली है। टेम्परेंस, 9 of Cups एंड 9 of Pentacles। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, इसकी गाइडेंस है कि सबसे पहले उन्हें अपने एंगर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने एंगर पर कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, जो उनका गुस्सा करने का स्वभाव है, जो बार बार लड़ने का स्वभाव है, उसको छोड़ दीजिए और अपने लाइफ में बैलेंस लाइए, एक ये जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है उसमें स्टेबिलिटी लाइए, और अपने आप को
पेशेंस, आप अपने अंदर पेशेंस लाइए, आपको पेशेंस लाने की ज़रूरत है, गुस्से को एंगर को छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर आप पेशेंस लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, यूनिवर्स भी ब्लेस करेंगे, यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। और आपको खुद को हैप्पी रखने की ज़रूरत है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, अगर आप खुद खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। जब आप खुद खुश रहेंगे तभी आप दूसरे लोगों के को हैप्पी कर सकेंगे। और जो आप में एडिक्शन है, जो कुछ भी ज़्यादा खाने पीने की लत है, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लाने पड़ेगी अपनी लाइफ में, अपना नेम, अपना फेम, अपना करियर, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, या उस आपको एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। एक स्टेबिलिटी लाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए, अपने आप को फोकस कीजिए, आप दूसरों के पचड़ों में मत पड़िए। जब अगर आप स्टेबल हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में एक ठहराव आ जाएगा, तो अपने आप ही आप खुश रहेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और गुस्से और एंगर को पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आप कामयाब हो सकते हैं अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।